अलीगढ़ में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 23 फरवरी को ऊपरकोट, कोतवाली और बाबरी मंडी में जमकर पथराव, फायरिंग और आगजनी हुई थी, जिसके बाद अन्य जगह भी प्रदर्शन शुरू हो गए। हिंसा के दौरान एक मुस्लिम युवक को गोली लगी व कई अन्य घायल हो गए। इस मामले में जिला अधिकारी द्वारा गोली लगने वाले युवक को 2 लाख रुपए की मदद के तौर पर धनराशि दी गई, जिसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक खून से पत्र लिखकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मांग की गई थी कि उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और डीएम द्वारा एक युवक को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता किए जाने का भी विरोध किया गया था। अन्य घायलों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया गया था और शहर में चल रहे धरना प्रदर्शनों को जल्द से जल्द हटवाने का भी अनुरोध किया गया था, लेकिन थाना गांधी पार्क पुलिस द्वारा इस मामले में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे पर धारा 153A के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जिस पर अशोक पांडे ने जिला प्रशासन पर न्याय से ज्यादा शांति व्यवस्था बनाने का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से मिलने की बात कही है। वहीं एसएसपी ने इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये कि हिंदू समाज के ऊपर निरंतर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एक तरफ वो आतंकी समुदाय है जो सीए और एनआरसी के विरोध के नाम पर पूरे देश में आक्रामकता बनाए हुए है, पूरे देश में आतंक का माहौल पैदा कर रखा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लेकर के शाहजमाल, जीवनगढ़, ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन करके शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस पर हमले किए, 150 से अधिक पुलिस वाले घायल किए। अभी हाल ही में इन्होंने बाबरी मंडी में हमला किया जिसमें कई हिंदू घायल हुए, एक मुस्लिम युवक की भी गोली लगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने मांग की प्रशासन से कि जब हमला हिंदुओं पर हुआ था तो हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई? एक मुस्लिम युवक घायल हुआ, प्रशासन ने उसको 2 लाख रुपए दिए तो हिंदुओं को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? प्रशासन ने उसका संज्ञान लेते हुए उल्टा इस सब मांग करने के लिए, इसके विरोध में ज्ञापन देने के विषय में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया कि हम समाज में व्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और 153A में अशोक पांडे को नियुक्त किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है और प्रशासन कहीं ना कहीं हिंदू समाज के मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की हरकत से स्पष्ट है कि प्रशासन अपनी नाकामी छिपाना चाहता है। प्रशासन मुसलमानों को यह दिखाना चाहता है कि तुम आतंक करने के बाद अगर तुम्हारे 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है तो हिंदू समाज के शांतिप्रिय लोगों के खिलाफ भी हम गिनती करके 100 एफआईआर करके देंगे ताकि उनको शांति बनाए रखी जा सके। प्रशासन आज की स्थिति में न्याय की प्राथमिकता नहीं है, प्रशासन के लिए शांति प्राथमिकता है और शांति के लिए वो हिंदू समाज की बलि चढ़ाने में पीछे नहीं हट रहा है। मैं समझता हूं अगर यही हाल रहा तो हिंदू समाज के युवा जो आज संघर्ष करने की स्थिति में है वो पीछे हटेंगे और समाज का मनोबल गिरेगा, जिसका खामियाजा आने वाली सरकारों को भी भुगतना पड़ सकता है और प्रशासन को तो भुगतना ही पड़ेगा। अपने बीच सूचना के आधार पर उन्होंने जो मीडिया में कुछ वायरल हुआ है उन्होंने कुछ शब्द ऐसे भड़का हुआ सब बोला होगा, इसलिए उन्होंने किया फिर भी उसके जांच का हम लोग वेरीफाई करेंगे और लीगली उस भाषण में कोई चीज़ इसे निकल के आता है उसका आधार पर राखी सूचना का कार्रवाई करेंगे। सर, उनका ये कहना है कि हमारे पास तो खुद एसीएम ज्ञापन लेने आए थे, हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी थी, उसके बावजूद ही हमारे खिलाफ नहीं, वो बात ठीक है, उस पर जो भी भाषणबाजी कहीं हुआ हुआ वो हमारा पास कोई वीडियो उनका हमारा आयोग के पास आया हो, उन्होंने बीट सूचना का आधार पर उन्होंने खुद वादी बन के लिखा है, अब उसका एफआईआर दर्ज हुआ उसके बाद हमें हमारा लीगल एडवाइजर से बात करेंगे, हमारे एसपीओ से बात करेंगे, इस पर किस तरह का जुर्म बनती है, उस पर कोई ऐसे भड़काव भाषण का कोई कंटेंट मिलता है, उसको मोटिव मिलता है, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। पहले तो प्रथम सूचना तो लिखा है, उसके बाद आधार पर हम सबूत के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे, जो कानून प्रक्रिया के अंदर आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आदर्श नहीं होगा।